चंद्रयान टू पैसे की बर्बादी या देश का विकास। चंद्रयान टू के लॉन्च होने के बाद हमारे देश के कुछ बाहुबली बुद्धिजीवियों ने बात करनी शुरू कर दी कि जिस देश में इतनी सारी दिक्कतें हैं वहाँ चंद्रयान टू जैसे कार्यक्रम पे इतना पैसा उड़ाने की क्या ज़रूरत है। ऐसी बातें वही लोग कर सकते हैं जो हमेशा अपने हाथ पे धनिया उगाने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं। वैसे सही भी है, जिस देश में आज़ादी के इतने सालों के बाद भी लोगों को साफ सफाई सिखानी पड़ रही हो उस देश के लोगों को चंद्रयान टू को समझाने में शायद 200 साल लग जाएंगे। हमें शौचालय में शौच करना तो आता नहीं था, बट मोबाइल फोन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इस देश के लोगों का साफ सफाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, बट कंप्यूटर यूज़ करना आता है। तो चंद्रयान टू से क्या दिक्कत है? क्या है चंद्रयान टू? ये भारत सरकार का ऐसा मिशन है जिसमें हम एक रोबोट को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर भेज रहे हैं, जहाँ जाके रोबोट ये पता लगाएगा कि वहाँ पानी है या नहीं, वहाँ की जलवायु के बारे में स्टडी करेगा और उसकी जानकारी हमें यहाँ भेजेगा। ये पूरी तरह से भारत में बनाया गया है, मतलब मेड इन इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। क्या प्रॉफिट होगा इससे? हमारी ये पृथ्वी हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए हमें ब्रह्मांड के बारे में और जानना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें भविष्य में पड़ने वाली है। हमारे देश में बहुत सारे चक्रवात, आंधी, तूफान आते रहते हैं जिसमें बहुत जान माल की हानि होती है। ये चंद्रयान टू हमें इसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा, हमें सतर्क रखेगा और हम पहले से ही तैयार रहेंगे, जान माल की हानि होने से बच सकेंगे। इसका मतलब है कि जितना पैसा हमने लगाया है उससे ज़्यादा पैसे की बचत हम सिर्फ 5 साल में कर पाएंगे। इसके बारे में और जानने की कोशिश करिए, गूगल और इंटरनेट का सहारा लीजिए, क्योंकि ये देश हमारा है, इसकी प्रगति हमारी है। हमारे वैज्ञानिक बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। और अंत में, देश के बारे में बुरा बोलने वालों का साथ ना दें और सपने देखते रहें, क्योंकि सपने पूरे तब होंगे जब हम सपने देखेंगे। अगर हमारी बातें आपको सही लगें तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।